जी सर आप अंदर जा सकते हैं जो भी पूछना है थोड़ा कुकले ऑफिसर मुझे हॉस्पिटल जाना है दो इमरजेंसी केस है सुरेंद्र के के मर्डर बाद ना तो आप उनके घर पे कहीं नजर आए और ना ही उनके अंतिम संस्कार में शरीक हुए ऑफिसर मिस्टर अरोड़ा मेरे पेशेंट थे मेरे सैकड़ों पेशेंट्स में से एक राकेश बंसल हमारे एक सीनियर ऑफिसर है आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपको उनसे क्या बात करनी है मर्डर केस के सिलसिले में बात करनी है लुधियाना में हुए मर्डर का हमारे देहरादून बेस्ट ऑफिसर से क्या ताल्लुक है सर विक्टिम सुरेंद्र अरोड़ा राकेश बंसल बंसल की पत्नी डॉक्टर नूपुर का पेशेंट था एक मेडिको लीगल केस में आप हमारे ऑफिसर को क्यों घसीट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कंसर्न डॉक्टर हमारे ऑफिसर की बीवी है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें शक है कि डॉक्टर नूपुर बंसल और सुरेंद्र अरोड़ा के बीच का रिश्ता एक डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते को क्रॉस कर गया था अब आप प्रोटोकॉल की लाइन क्रॉस कर रहे हैं ढंग का कारण दीजिए स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी सर जो डॉक्टर पेशेंट के बीच में होती है। पर हमने सुना आप दोनों के बीच कुछ था कुछ और गलत सुना है आपने कुछ और मैं चलो मुझे देर हो रही है फेस टू फेस भी वही कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रही है मेरा पर हिल गई है पक्का कुछ ना कुछ तो जरूर था इस डॉक्टर नूपर बंसला और सुरेंद्र अरोड़ा के बीच में और सर यहां भी फॉरेस्ट ऑफिस रेंजर कोऑपरेट नहीं कर रहे वो कह रहे हैं कि ठोस सबूत ले आओ क्योंकि फ्रैंकली इस वक्त हमारे पास नहीं है हमें सिर्फ उतना ही पता है जितना इस रजनीश गिल ने हमें बताया हरियाणा हिमाचल दिल्ली हर स्टेट में तफ्तीश चल रही है सर लेकिन इस कार की कोई खबर नहीं अभी तक तो उन्होंने कार का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया होगा पुर्जा पुर्जा निकाल के देश के अलग अलग हिस्सों में बेच दिया होगा पर सुरेंद्र अरोड़ा का डॉक्टर नुपुर बंसल से अफेयर और ये कार इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है शायद सुपारी डील में शामिल होगी ये किराए के हथियारों ने अपने लिए रखी होगी पर सुपारी मार्केट से इंफॉर्मेशन तो जीरो है जितना बैलेंस यहाँ आपके अकाउंट में शो कर रही है पूरा उतना ही है जितना आपने ऑनलाइन चेक किया जी कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो जो अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं किया हो सर अगर ऐसा हुआ होता तो आपको एस एम एस या ई मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती जी। गलत सुनो ए, ये बैंक दी गल्ला ना कर मेरे सामने मैंने अपना काम कर दिया है मेरे चाहिए दे। पैसे भागे जा रहे हैं? एक आ में। पैसे आएंगे आपको आपका हिस्सा दे दूंगा मैं। इतने हिस्से करांगा तेरे तेरे घर वाले भी गिन गिन के थक जाए देखो पाजी ये धमकी वमकी ना दो ते तेरी असलियत होने वाली है साढ़ा काम बोलता है और उस तो ऊँचा सा दिमाग खराब ना कर मेरा पैसे दे मैनू बस ट्रिपल फोर नाइन एट जीरो नाइन एट नाइन ये नंबर नूपुर बंसल के कॉल रिकॉर्ड में बार बार दिखाई दिया है और यही है सुरेंद्र अरोड़ा का दूसरा नंबर सीक्रेट वाला तो ये है वो नंबर जिससे सुरेंद्र अरोड़ा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नूपुर बंसल से बात करता था और मैडम क्या कहती हैं रिलेशनशिप स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट वाला मैं बता चुकी हूँ मुझे जो कुछ भी बताना था और कुछ भी नहीं जानने जैसा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड समझना तो आपको है मैडम कि हमें सब कुछ समझ में आ चुका और वो भी सबूतों के साथ बेहतर होगा आप खुद यहाँ आ जाए वरना मैं वहां आ जाऊंगा वारंट लेके और आपको यहाँ लेकर आऊंगा सर so, डॉक्टर बंसल के फोन रिकॉर्ड्स के बाकी दूसरे नंबर भी स्कैन किए ऑल क्लीन सर सभी पेशेंट्स के नंबर हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि वो कुछ ना कुछ जरूर जानती है पर ये प्लॉटिंग ये मर्डर किसी और का किया कराया है सोनिया थैंक यू वेरी मच सर सोनिया फॉरेस्ट गार्ड बंसल का नंबर मिल गया नंबर मार्क्ड है इस नंबर पर आपकी हर रोज बात होती थी ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड था सुरेंद्र अरोड़ा जिसके साथ आपके स्ट्रिक्टली डॉक्टर पेशेंट वाले रिलेशन थे और ये सुरेंद्र अरोड़ा का दूसरा नंबर जो किसी के पास नहीं है ना उसके माँ बाप के पास ना उसकी बीवी के पास वो एक ही नंबर पे बात करता था किससे प्रोफेशनल डॉक्टर से सुरेंद्र अरोरा मेरे पेशेंट थे और हाँ मेरी उनसे दोस्ती भी हुई थी दोस्ती पहले हुई या बीमारी पेशेंट पहले दोस्ती बात है अब जरा इस दोस्ती का डायग्नोसिस करें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफिसर दोस्ती थी क्लीन और हार्मलेस पर मेरा उनके मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं डॉक्टर नूपुर आपके और आपके हस्बैंड फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश बंसल के बीच में काफ़ी दूरियां लुधियाना से देहरादून नेशनल हाईवे सेवन दो सौ साठ किलोमीटर जी पर मेरे पति का इन सब से कोई लेना देना नहीं सो so, प्लीज़ आप उन्हें इससे दूर रखें आई रिक्वेस्ट जिस तरह से आपके लिए पेशेंट होते हैं वैसे ही हमारे क्रिमिनल होते हैं आप उन्हें हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाती हैं और हम हमारे क्रिमिनल को यहां पे इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि बिना इंजेक्शन लगाए कोई अपना जुर्म कबूल ही नहीं करता हर कोई यही कहता है मैंने ये नहीं किया मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है आप खुद ही देख लीजिए कितने कॉन्फिडेंस से मेरी आंखों में आंखें डालकर आप ये कह रही हैं कि सुरेंद्र अरोड़ा के कत्ल से आपका कोई ताल्लुक नहीं जी मैंने कहा क्योंकि यही सच है मिस्टर अरोड़ा के मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं पर मेरी दोस्ती उनसे जरूर थी पर पहले आपने इसी दोस्ती से इनकार किया था जी किया था क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ साथ में एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर भी उसके साथ साथ एक इंसान भी हूँ इंसानी तनाइयों के लिए कभी कभी दोस्ती जरूरी होती और यही बीमारी मिस्टर अरोड़ा को भी थी और यही बीमारी मिस्टर अरोड़ा की बीवी रेखा अरोड़ा को थी उनके बारह साल के बच्चे को थी लेकिन वो पांच साल से इंडिया में जमा बैठा था सर ये उनकी पर्सनल चॉइस थी उसकी पर्सनल चॉइस आप थी लाइफ इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती पर मौत होती है मर्डर तो डेफिनेटली ब्लैक होता जो आपने करवाया अपने दोस्त का अब आप सीधे सीधे ये बताइए सुपारी किसे दी मैंने नहीं मरवाया सुरेंद्र को। तो फिर हमें आपके हस्बैंड राकेश बंसल से बात करनी पड़ेगी so. राकेश मेरे लिए भी ऑकवर्ड है बट रूल्स आर रूल्स मुझे तुम्हारा नंबर लुधियाना पुलिस को देना पड़ा क्यों सर वो कह रहे थे कि एक मर्डर केस है किसी सुरेंद्र अरोरा का जो तुम्हारी पत्नी नूपुर का पेशेंट था सो so, उससे मेरा क्या कनेक्शन सर? मैंने भी उनसे यही पूछा पर वो जिद कर रहे थे मेरे हस्बैंड को मेरी इस दोस्ती के बारे में कुछ नहीं पता दोस्ती थी ना पता भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता दोस्ती थी पर इतनी ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं थी ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में होता है ग्रे तो डॉक्टर नूपुर अब आप मुझे इस क्रे का शेड समझाइए अब बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं ऑफिसर डॉक्टर साहिबा हम एक मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं हमारा अफेयर नहीं था इंस्पेक्टर हम एक दूसरे के साथ सोते नहीं थे केवल मिलते थे बातें करते थे बहुत सारी बातें करते थे क्योंकि हम अधूरे थे शायद बहुत ज्यादा अधूरे थे इट्स ओके मिस्टर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है थैंक्स तो वो लोग पूरे तो दरअसल फिर बंटी के स्कूल शुरू हो जाएंगे और यहाँ से जाते वक्त बहुत जिद करने वाला है मुझसे कि मैं उसके साथ न्यूयॉर्क वापस लौट जाऊं hmm. मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दर्द होता है। मेरी जान है मेरा बंटी पर मेरा वापस लौटने का मन ही नहीं करता हम एक दूसरे को सब कुछ बता देते ऐसा कह लीजिए कि एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम थे पर वो नहीं जो आप साबित करना चाहते साबित करना तो वकीलों का काम होता हम तो यहाँ एक लेबोरेटरी की तरह काम करते हैं डिटेल रिपोर्ट तैयार करते हैं फिर अदालत में पेश कर देते हैं हर सस्पेक्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे डालते हैं हर सबूत के सैंपल की बाल की खाल निकालते हैं और पॉसिबिलिटी तलाश करते हैं और इस वक्त हमारे माइक्रोस्कोप के नीचे हैं आप और पॉसिबिलिटी है जलन पर मैंने कोई जले नहीं फील की मैं मैरिड हूँ और मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है मैंने आपकी चलन की बात कब की यहां से दूर नहीं है। राकेश यहाँ पर छह महीने में, में बताऊंगी पर ये तो नहीं है ना? कि आप नहीं बताएंगे तो, तो सुरेंद्र ने रेखा को इस बारे में कुछ ना बताया और जब हम रिश्ते और जेलेसी की बात करते हैं ऑफिसर तो न्यूयॉर्क भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है नजर रखो जरा मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं सर इस राकेश बंसल के कॉल स्कैन हो रहे हैं पता चलेगा कि सुरेंद्र को रास्ते से हटाने का अरेंजमेंट कहीं इसका ही तो नहीं था डॉक्टर नूपुर बंसल ने रेखा अरोड़ा की तरफ इशारा किया जबकि रेखा अरोड़ा का कहना है कि उसे शक था कि सुरेंद्र की लाइफ में कोई और आ गई थी मैंने आपसे कहा ना मुझे सिर्फ शक था मैडम कुछ तो पता चला होगा किसने मारा हमारे पुत्र को अभी छानबीन चल रही है लेकिन हरजीत जी एक बात साफ साफ बताइए क्या आपको आपकी पत्नी को या रेखा जी को इस नूपुर बंसल के बारे में कभी कुछ मालूम नहीं था हमको तो कभी सुरेंद्र ने अपनी ये माइग्रेन वाली बात बताई नहीं हर चीज अपने अंदर ही रखता था रेखा को भी कुछ नहीं बताता था हरजीत जी ऐसा कैसे हो सकता है कि सुरेंद्र की यहां पर टिककर रहने की जिद आपको कभी खटकी नहीं देखिए हरजीत जी कोई तो बात थी जिसकी वजह से आपका बेटा सुरेंद्र पिछले पांच साल से न्यूयॉर्क वापस जाने से मना कर रहा था वो वहीं पैदा हुआ था जी, और हम सब साथ साथ इकट्ठे रहते थे रेखा वो भी वहीं से हाँ जी लव मैरिज थी हमने तुरंत हाँ दूसरे पति पत्नियों की तरह उनमें भी झगड़े होते थे बंटी रो रहा था तुम्हारे लिए और रोते रोते सो गया लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे मैं जल्दी आऊं इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट हो और इतना लेट तुम हर वीकेंड बाहर रहते हो इनफैक्ट कभी कभी तो सुबह वापस आते हो मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा तुमसे आज एक दिन एक रात मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो रेखा शादी के बाद तुम बहुत चेंज हो गई हो रॉन्ग शादी के बाद हम चेंज हो गए हर कोई बदल जाता है तुम इतना लेट आते हो मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं टोका तुम्हारा लेट लेट आना आना, और मेरा सेम रेखा really? Why? रेखा का अपना इंडिपेंडेंट जॉब है सुरेंदर हमारे दो मोटल संभालता था दोनों का कैरियर बहुत अच्छा जा रहा था लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता बस मैं क्या बताऊं इतने झगड़े होते थे इतने झगड़े होते थे कमरे अलग हो गए थे फिर फिर एक दिन सुरिंदर सुबह उठा बोला कि मैंने इंडिया का टिकट कटा लिया लुधियाना जाऊंगा वहां जाके सारी प्रॉपर्टी संभालूंगा और फिर वो यहां आ गया सर इस राकेश बंसल के कॉलिकॉर्ड से भी कुछ नहीं निकला एक महीना हो गया ना तो हमारे पास इस लव स्टोरी पर कुछ राग है और ना ही गड्डी का सस्पेंस खुला हरदेव खोसला और अजीत मलिक इन दोनों कार को हालांकि मैंने बहुत कूटा सर लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है इस केस में इनका कोई भी हाथ है के पेरेंट्स न्यूयॉर्क वापस जाना चाहते हैं। वो अपने इकलौते बेटे के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखकर ही वापस लौटेंगे रोको उन्हें यस yes, सर उन्होंने सोनिया को बताया सर कि सुरेंद्र और रेखा की शादी न्यूयॉर्क में ही काफी डामडोल थी आपस में काफी लड़ते थे दोनों कहीं ऐसा तो नहीं सर कि रेखा ने न्यूयॉर्क में बैठे बैठे ही रिमोट कंट्रोल से सुरेंद्र का खात्मा करवा दिया अगर ऐसा हुआ है तो प्लानिंग हुई होगी एक साल पहले जब रेखा बंटी की छुट्टियों में यहां आई होगी फायदा फायदा सुरेंद्र अरोड़ा को मारकर रेखा को क्या फायदा होता यही कि सुरेंद्र की सारी प्रॉपर्टी रेखा को मिल जाती लेकिन वो तो वैसे भी उसे ही मिलनी है। सर ऐसा तभी होता जब रेखा उसकी बीवी बनी रहती पर अगर यहां पे सुरेंद्र ने ये प्लान कर रखा हो कि वो रेखा को तलाक देकर नूपुर से शादी कर लेगा फिर तो सर रेखा को काफी भारी नुकसान होता और शायद उसे इसी प्लानिंग की खबर पहले लग गई होगी वैसे रेखा अरोड़ा ने पहली क्वेश्चनिंग में हमें हिंट तो दिया था कि उसे शक है कि सुरेंद्र अरोड़ा का कोई अफेयर हो सकता है इस रेखा वाले नए एंगल को टटोलना थोड़ा तो टफ होगा एक तो वो अमेरिका में और दूसरा हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है कोई लीड भी नहीं है लीड सो हमारे पास वैसे भी किसी एंगल पर नहीं है मेरा टटोलते दिस इज टू मच इंस्पेक्टर आप घूम फिर मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आपको अंदाजा भी है कि आप मेरी मैरिड लाइफ पर कितना बड़ा स्ट्रेन डाल रहे हैं स्ट्रेन हमारी वजह से नहीं पड़ रहा नुपुर जी जिस आदमी के साथ आपका दोस्ती का रिश्ता था उसका कत्ल हुआ और उसने एक साथ कई पिटारे खोले कई लोगों के तो प्लीज आप उन कई लोगों पर फोकस कीजिए और मुझे बख्श दीजिए देखिये इंस्पेक्टर साहब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मिस्टर अरोरा के साथ केवल मेरी दोस्ती थी हाँ अगर हम सिंगल होते तो जरूर रोमांस या फ्यूचर की संभावनाएं थी पर मैं पहले से क्लियर कर चुकी थी कि मैं अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहती और मिस्टर अरोरा भी सेम ख्याल रखते थे अब उनकी वाइफ को उन्हें लेकर कोई और प्रॉब्लम हो तो वो मैं नहीं जानती और उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की प्रॉब्लम्स कभी मुझसे शेयर नहीं की आप कह रहे हैं कि हमारी बहू ने हमारे बेटे का हर जी हम कह कुछ नहीं रहे हम सिर्फ पूछ रहे हैं क्या आपकी रेखा ऐसा कुछ कर सकती है अच्छा एक बात बताइए जब आपकी रेखा न्यूयॉर्क से यहां आती है लुधियाने में अब कोई ना कोई लोकल नंबर तो यूज करती होगी का। हमें नहीं पता हमारे पास तो एक ही, है उसका वाला। ही सबसे रहा रेखा थी, से इन्वेस्टिगेट करना काफी रहा शायद उसी वजह से आप इस मर्डर प्लान को किसी भी फोन रिकॉर्ड में सामने नहीं ला पा रहे थे दरअसल उस केस में हर तरफ से ब्लैंक रिस्पॉन्स आ रहा था हमारी जी तोड़ इन्वेस्टिगेशन के बावजूद हम उस आदमी के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे थे जो कत्ल की शाम सुरेंद्र अरोड़ा के ऑफिस आया था सुरेंद्र अरोड़ा के कत्ल का प्लान जरूर किया गया था लेकिन साथ ही सैमेंटेनियसली लुधियाना में कुछ और भी हो रहा था एक और मर्डर पर हम इस मर्डर का लिंक सुरेंद्र अरोड़ा के मर्डर के साथ नहीं जमा पा रहे थे और वो दूसरा मर्डर केस किसी अलग पुलिस स्टेशन में रहा होगा हाँ और हमारे केस का असली ब्रेक थ्रू उस केस फाइल में पड़ा हुआ था पर हम उस केस तक डायरेक्टली नहीं पहुंचे नेचुरली डेड एंड तक पहुँचने की फ्रस्ट्रेशन सेट होनी शुरू हो गई थी और फिर मेरी मुलाकात मेरे एक बैचमेट से हुई इस मुलाकात ने इस केस को देखने का एक नया नजरिया पेश किया गुरदीप रेखा अरोड़ा यूएस सिटीजन है इस वक्त वहीं पर है क्वेश्चनिंग के लिए उसे यहाँ लाना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल नहीं बल्कि टोटली इंपॉसिबल है अगर लाना भी चाहूँ तो केस नहीं बनता क्योंकि अभी सिर्फ इतनी जानकारी है कि पति पत्नी दोनों लड़ते थे ये रेखा अरोड़ा हर साल आती थी अपने बच्चे बंटी के साथ दो तीन महीने के लिए तो उस वक्त जो वो लोकल नंबर यूज करती थी वो नंबर तेरे हाथ नहीं लगा उसके पेरेंट्स का कहना है कि उन्हें उस नंबर के बारे में कुछ पता ही नहीं और अपने पास और कोई जरिया नहीं है उस नंबर को हासिल करने का ये एक परेशानी है जरूर तेरे हाथ में एक एंगल है जिसे तू ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है एग्जैक्टली ये जो अमेरिका वाली फोन कंपनी है वो रेखा अरोड़ा के फोन रिकॉर्ड्स कभी नहीं देगी कम से कम स्कैन करने के लिए तो बिल्कुल नहीं इस रेखा अरोड़ा को न्यूयॉर्क वापस नहीं जाने देना चाहिए था अगर तू तो इस रेखा अरोड़ा को सस्पेक्ट मानकर चल रहा है तो एक तरीका है पर थोड़ा पागल हो जैसा बोल वैसे भी इस केस ने कौन सा काम पागल कर रखा जो बंदा सुरेंद्र अरोड़ा से मिलने आया मान ले वो एक्स है तो इस रेखा अरोड़ा ने इस एक्स को सुपारी दी होगी सुरेंद्र अरोड़ा को मारने के लिए और किसी को सुपारी मिलने की अफवाह तक नहीं सुपारी न्यूयॉर्क से दी गई होगी ना अब वहां से किसी प्लास्टिक या न्यूज़पेपर में कैश लपेट कर तो भेजा नहीं होगा किसी और तरीके से एडवांस ट्रांसफर किया होगा और फिर काम खत्म हो जाने के बाद बाकी का बैलेंस आगे बोल तो इस रेखा अरोड़ा ने वहां से सुपारी कॉन्ट्रेक्टर से बात की होगी लेकिन अनिल हम फिर उसी पॉइंट पे आ गए अमेरिका वाली कंपनी से रेखा अरोड़ा के कॉल रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे ना मिले पर यहाँ के तो फोन रिकॉर्ड्स मिलेंगे ना कौन से नंबर की बात कर रहा है लुधियाना में जितनी भी फ़ोन कंपनीज के नेटवर्क हैं छोटे बड़े ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे उन सबको रेखा का ये यूएस वाला नंबर दे और उनको स्टैंडिंग ऑर्डर दे कि वो पता करें कि ये नंबर उनके किस कस्टमर के फोन रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है लाखों नंबर होंगे अगर रेखा ने साजिश की है तो उसने यहां सुपारी कॉन्ट्रैक्टर से बात की होगी या किसी ना किसी से तो बात की होगी तो उसका वो नंबर यहां के लोकल नंबर के फोन रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट करेगा बस तेरे हाथ कुछ ना कुछ ऐसा लग जाएगा जिससे तेरा केस आगे बढ़ सके उस कस्टमर की डिटेल्स निकाल उठा सा पागल आईडी है पर है काम का सर ऑल इन ऑल लुधियाना सिटी में तकरीबन छः सेलफोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और सर सभी के नंबर अगर काउंट करने बैठे तो पोस्टपेड और प्रीपेड मिला के कुछ लाखों में सिम कार्ड होंगे बिल्कुल अब इन छः के छे सर्विस प्रोवाइडर्स के सिटी हेड से बात करो और उन्हें ये न्यूयॉर्क का नंबर दो डबल जीरो वन टू वन नाइन एट सेवन एट फाइव सिक्स और उनसे कहो कि ये नंबर अपने सिस्टम में रन करें और पता लगाएं कि इस नंबर से उनके कौन से सिम पर कितने कॉल किए गए मर्डर के पहले क्योंकि हमें नहीं पता कि रेखा अरोड़ा कब से उनके कॉन्टैक्ट में होगी लेकिन बाई अप्रैल के बाद मर्डर के बाद इन्फॉर्म करने के लिए और बकाया अमाउंट की डिलीवरी के लिए कई फोन किए गए होंगे जरूर किए गए होंगे सर ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा पर फिर भी ये तीर चलाना है और पूरे जोश के साथ चलाना इतने जोश के साथ के तीर लुधियाना से सीधा न्यूयॉर्क जाना चाहिए मैं सब इंस्पेक्टर विकास मेरा बोल रहा हूँ आई नो ये इम्पोसिबल जैसा है बट ये इम्पोसिबल है नहीं हाँ जी देट्स राइट न्यूयॉर्क का नंबर है ये नोट कीजिए आप अपने ऑफिस से एक अर्जेंट ऑर्डर इशू कर दीजिए ताकि मूवमेंट जल्द से जल्द हो यस यस बहुत बड़ा काम है हमारे पास इस एंगल को रूल आउट करने का और कोई तरीका नहीं वो पुलिस ने रुकने के लिए कहा है लेकिन क्यों पापा जी वो कह रहे हैं कि हम तब तक इस घर में रहे जब तक सुरेंद्र के कातिल को पकड़ नहीं लिया जाता अरे ये क्या बात हुई वो छह महीने लेंगे तो क्या आप दोनों छह महीने वहीं रहेंगे बात तो तेरी सही है लेकिन अब उन्होंने कहा है ना ठीक है पापा जी लेकिन मेक श्योर की मम्मी जी अपना इंसुलिन ना भूले और आप भी अपना ख्याल रखो ठीक है पुत्र क्या अब भी पुलिस रेखा दिशा कर रही है पता नहीं परमजीत मैंने तो डर लग रहा है इन दोनों के बीच में वाकई ऐसा कुछ हुआ था क्या कोई ऐसी बात चौदह अप्रैल को अमेरिका से फोन आया बाईस अप्रैल को यहां से अमेरिका फोन किया गया रेखा अरोड़ा के नंबर पर उसके बाद नौ मई को और रेखा अरोड़ा के फोन पर आखिरी कॉल सोलह मई को किया गया घास के बोरे में नहीं घास के खेत से सुई निकली और यह नंबर डबल फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन किसी संदीप पुनिया के नाम पर रजिस्टर्ड है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलवा रघुवीर राणा संदीप पुनिया सर संदीप पुनिया और सुरेंद्र अरोरा को जानता है पर उसका नंबर सुरेंद्र अरोरा के दोनों फोन रिकॉर्ड्स में नहीं शो करता पिछले एक साल के रिकॉर्ड्स में भी नहीं तो फिर दोनों में कनेक्शन क्या है सर तीन साल पहले सुरेंद्र अरोरा के फादर हरजीत जी ने अपनी कोठी के पास एक शॉप में इन्वेस्ट किया था ये, ये, ये तो वो स, स, संदीप किराएदार हुआ करता था जी। तीन साल पहले सुरेंद्र ने मिलाया था इससे पापा जी ये संदीप है अपनी चंदन कॉलोनी वाली दुकान किराए पे ले रहा है ससिकल बाबूजी सस्या काल पुत्र डेढ़ दो साल पहले इसने दुकान को बंद कर दिया गारमेंट्स का काम हुआ करता था इसका और फिर सुरेंद्र ने दुकान को बेच दिया संदीप का सुरेंद्र के मर्डर से क्या वास्ता है जी हरजीत जी अभी वो पता लगाना बाकी है और ये रघुवीर राणा जी रघुवीर रेगुलरली फीचर होता है सर संदीप पुनिया के नंबर पर दोनों टच में और ये कनेक्शन एकदम फिट बैठता है सर रघुवीर राणा और संदीप पुनिया का फोन लोकेशन 22 अप्रैल को तकरीबन तकर बजे से बजे नगर का शो कर रहा है। इस वक्त दोनों के फोन एक्टिव है सर ये रघुवीर राणा खुद की टैक्सी चलाता है और ये संदीप पुनिया फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा वेला है। सर कोई तीसरा भी जरूर होना चाहिए सर फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग कत्ल की शाम चार बजे रघुवीर राणा और संदीप पुनिया भिल्लन नगर के प्लॉट पे मौजूद थे फिर सुरेंद्र अरोरा वहां पहुंचा शाम पांच बजे अपने ऑफिस से पहले सुरेंद्र अपने कबीर इंडस्ट्रियल वाले प्लॉट पे पहुंचा फिर वो जितेंद्र कालरा के भिल्लर नगर वाले प्लॉट पे पहुंचा शाम पांच बजे ये रघुवीर राणा संदीप पुनिया दोनों के बैंक स्टेटमेंट निकलवा इस बार हमारे हाथ ठोस लीड लगे आई एम श्योर ये लीड हमें रेखा अरोड़ा तक जरूर लेके जाएंगे जी श्रीकाल जी ठीक बताइए प्लॉट लेना है जी कितना व्डा चार पाँच सौ लोगों का वर्कशॉप है जी अच्छी खासी वीडी जगह चाहिए जैसा प्लॉट आपको चाहिए वैसे एक नहीं कहीं है मेरे पास तो ऐसा करते हैं कल सुबह देख लेते हैं नहीं जी आज ही चलना है आज दिखा दूँ मैंने और अर्जेंट है जी कल सीओ साहब देख लेंगे हमारे आप चाय पीजिए गर्मा गर्म फिर निकलते हैं आराम से साढ़े चार बज गए आएंगे 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 कब तक यार अब तक तो तो ठंड रखी यार मैं कहता ना एक बारी आएंगे ये है साडी जमीन ये पूरी आपकी वर्कशॉप के लिए एकदम चंगी रहेगी जमीन तो चंगी है जी पर मैं थोड़ी छोटी लगती है छोटी कहाँ है सर ये देखो कितनी बड़ी है तु एक काम करो उतर कर मेरे साथ एक राउंड मार लो ओ, ओ तो जी मैं की कहना बिलन नगर के आसपास कोई जमीन है वो दिखाओ मैं तो। भीलन नगर है तो पाजी एक प्रॉपर्टी पर मेरी नहीं है खैर मेरे एक जान पहचान वाले की है ओ कोई गल नहीं तुझी चलो 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 तुसी। ए, पाजी अभी मैं घर जान दो भीलन नगर वाली प्रॉपर्टी कल देख लेंगे और साथ के साथ मैं ऑनर को भी बुला लूंगा ओ जी बिलन नगर है नहीं दूर यूं गए थे यूं आ गए पाजी यू और यू में आधा घंटा लग जाना है कोई नहीं आधा घंटा ही बात तो बात तो में निकल जाना है चलो तुसी ठीक है जेवे तो आड़ी मर्जी चलो जी चलते हैं बीलन नगर तूने मुंह खोला ना हाँ मैंने खोला मुंह मुंह मैंने खोला कि तूने खोला है यार मैं क्यों मुंह खोलूंगा भाई हमें फंसा दिया गया है धोखा ये पूरा प्लॉट, एथे तो लैके उथे तक एक ही पार्टी का है जी जितेंद्र कालरा टाइटल भी क्लीन है प्लॉट तो वाया है जी सुपर है ऑनर पै कितने मांग रहे हैं भाजी पै की गल है कल सुबह मिलकर बात कर लेंगे चंगा भाजी तो कल सुबह दस बजे ऑफिस में मीटिंग रख लेते मैं जितेंद्र कालरा को भी बुला लूंगा और वहीं बैठ के सब गला शला कर लेंगे और जी मेरी कमीशन की तो कोई लोड ही नहीं वैसे भी मैं दूसरों की तरह क्लाइंट से गला नहीं काटता और हम तो काटेंगे और चंगी तरह काटेंगे क्या श्रीकाल सुरेंद्र भाजी संदीप तुम यहाँ ये ये सब क्या हो रहा है मर्डर मर्डर हो रहा है दोस्त तो बैठो मेहमान हो हमारे बैठो। बैंक स्टेटमेंट फोन रिकॉर्ड अमेरिका, दो अप्रैल 2016, 3 तीन लाख रुपए, जो कि विड्रॉ भी हुए फिर 10 मई को एक लाख रुपए ट्रांसफर हुए रघुवीर तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में उसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं फिर 16 मई को संदीप तुमने फ़ोन किया अमेरिका न्यूयॉर्क तुम्हारा लास्ट कॉल रेखा अरोड़ा को मतलब काम खत्म पैसा हजम तुम दोनों तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले अब अगर छूट बोला या ना कहने की कोशिश भी की ना तो उसी बेलन से तुम दोनों को बेल देंगे ना बोलने नहीं तो फायदा साहब सबसे बड़ा धोखा तो हम दोनों के साथ हुआ है सब कुछ होने के बाद भी हम तो सर जी के फंसे ही रह गए रेखा जी हद है मैं दो दिन से बैंक जा रहा हूँ बैंक वाले बोल रहे हैं अभी तक आपका पैसे नहीं अरे कहा ना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इतना स्ट्रेस मत लो अरे पैसे हैं पैर ही है उनके जो भाग जाएंगे ओके okay? तुम तो ऐसी क्यों कर रहे हो रेखा जी मैं नहीं कर रहा जिद रघु भी नहीं कर रहा जिद ये जो जिद है वो बिरू कर रहा है और वो सिर्फ जिद नहीं कर रहा है हम दोनों को जान से मारने की धमकिया दे रहा है वो वट नॉन सच रेखा जी अब तुम न्यूयॉर्क से आके वापस लौट भी गए लेकिन जैसा कि आपने कहा था हमने दोबारा कभी आपको कांटेक्ट नहीं किया देखा जी लेकिन ये वीरू हमारे सर पे चढ़ के बैठा हुआ है इसका सर घूम गया ना तो हमारे धड़ पे हमारे सर नहीं रहेंगे अब इतना रो मत पैसे दो दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे तो मैं की करा तू या दस कितनी बार फोन किया उसको अब साली फोन ही नहीं उठा रही है मैंने लगता है हमें चुना लगा रही है खुदती है साली एक बार सामने आ जाए ना तो वो तो हमारे सामने आने से रही लेकिन पैसे नहीं मिले ना जल्द से जल्द तो वीरू आ जाएगा हमारे सामने और फिर वो क्या करेगा वो हम दोनों देख चुके हैं तो वीरू इस त्रिकोण का तीसरा कौन है जी सर सर रेखा जी ने पचास लाख की डील की थी सी असा दोनों दिन तुम वीरू को ले आए मैंने बंदा मार रहा है ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਭਾਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਨ ਜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ। ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋ ਕਰੇਂਗਾ। ਐ ਪੇਚਾੜੇ ਮਤਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਹ ਲਾਗ ਮੇਰੇ 25 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? प्लानिंग कब हुई कहाँ हुई? लुधियाने में जब पिछले साल रेखा अरोड़ा आई थी अमेरिका से जी सर सर पिछले साल जब रेखा अरोड़ा लुधियाना आई थी ना तो ऊपर ही बात की थी हमारे साथ इस साल उसको फ़ोन आया अब श्योर है रेखा जी तो ठीक है काम करना ही है तो कर देंगे लेकिन रेखा जी जरा काम तुझे दस रहे हो मतलब ये जो मर्डर का उसके लिए ना हमें किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा मुझे तुम्हारी रेसिपी नहीं सुनी है और ना ही शॉपिंग लिस्ट मुझे रिजल्ट चाहिए सुरेंद्र अरोरा का मॉडल पचास लाख देने को तैयार हूं हाँ ठीक है रेखा जी मैं एक बंदे से पूछता हूँ उसने एक मर्डर किया हुआ है पहले वो सब मैं नहीं जानती मुझे एक कन्फर्म रिप्लाई चाहिए और एक कन्फर्म प्लान मैं एडवांस बहुत जल्द वायर कर दूंगी यही है तुम्हारा वीरू जी जी सर इस पर एक मर्डर केस की सुनवाई चल रही है सर ऊपर से इसने तीन मई को इस पर पहले से चल रहे मर्डर केस के विटनेस को भी मार दिया यही लुध्याने में हाँ जी रामबाग थाने में इसका केस दर्ज है दिखा दो कहाँ में लगे वीरू सर एड्रेस तो पता नहीं है सर इसका बीच बीच में फोन करता है बस सर नंबर बोल एक नंबर नहीं है सर उसका वो अलग अलग नंबर से फोन करता है संदीप सुरेंद्र अरोड़ा की कार कहा है गड्डी तो वीरू ले गया उसने कहीं बेचबाज दी सोनी है जी मैनू पसंद है तो कि बैठ कर डनक लगते हैं लाल लो फिर जी ये रेखा अरोड़ा अपने पति सुरेंद्र अरोड़ा को मरवाना को चाहती थी सत श्रीकाल अरोड़ा जी हैं घर पर uh, जी नहीं वो तो घर पर नहीं है आपको जी मैं उनकी चंदन कॉलोनी की दुकान का किराएदार हूँ संदीप पुनिया उन्होंने किराया देना है जी आप मुझे दे सकते हैं मैं उनकी वाइफ हूँ जी मैं जानता हूँ आप उनकी वाइफ हैं अच्छा कैसे बोली अंग्रेजी तो देखने में भी अंग्रेजी एन आर स्मार्ट थैंक यू मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ वो भी फ्री में। ये लो। मनी पैसे की जरूरत हर किसी को होती है तुम लवर बुरे नहीं हो मैं शायद तुम्हें दोबारा रिपीट करूंगी हर दो दिन रिपीट करती थी मुझे तो मेरे लिए तो वो विन विन सिचुएशन थी सर और ये? तुम दोनों के बीच में ये थर्ड अंपायर पर कहां से आए ये मेरा दोस्त है सर तो मैंने रेखा जी से मिलवाया था उन्हें भी पसंद आया ये भी मतलब दोनों और इवन फॉर्मूला सर जब हम इससे मिले थे तो हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि मैडम इतनी पहुंची हुई चीज़ है पर जब इसके सास ससुर से बात हुई तो उन्होंने हल्की सी भनक जरूर दी थी इस अनबन के बारे में बट इसके बारे में तो उन्हें भी बिल्कुल नहीं पता होगा अच्छा गलत दसो ये मैडम रेखा अरोड़ा रह रही थी न्यूयॉर्क अमेरिका आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही थी और सुरेंद्र अरोड़ा यहाँ लुध्याने में तो दोनों के बीच में पसूड़ी क्या थी प्रॉब्लम की जड़ क्या थी सर रेखा जी पिंजरे से आज़ाद होना चाहती थी तो चाबी सुरेंद्र के पास थी ना मतलब डिवोर्स और ये सुरेंद्र अरोड़ा उसे डिवोर्स दे नहीं रहा था रेखा जी मैं तो कहता हूँ कि अगर नहीं दे रहा है ना तो ना दे तू तो गोली मारो ये डिवोर्स डि को देखिए आप वहां अमेरिका में मस्ती कर रहे हैं वो यहां पर ऐश कर रहा है एक ही बात है वो ऐश मेरी खुशियों का गला काट कर कर रहा है इट्स सो so अनफेयर डिवोर्स कोई वॉलमार्ट की स्कीम नहीं है रेखा कि पार्टनर चेंज करना हो नो प्रॉब्लम रिटर्न करो नो क्वेश्चन रिटर्न जस्ट टेल मी वन थिंग तुम पार्टनर क्यों चेंज करना चाहती मैं पार्टनर नहीं चेंज करना चाहती बस तुम्हें छोड़ना चाहती हो क्योंकि एक दूसरे को पार्टनर कहने के लिए पार्टनरशिप होनी चाहिए लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस शादियां नहीं होती क्या लॉन्ग डिस्टेंस यस लेकिन ये तो रॉन्ग रॉन्ग डिस्टेंस है क्या है मुझे सब मालूम है आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि तुम्हारा न्यूयॉर्क में कोई लवर है इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस क्योंकि मेरा जो लीगल लवर है वो अब मुझे प्यार ही नहीं करता ताली के लिए दो हाथ लगते हैं रेखा और लव के लिए दो लोग तुम्हारे लिए तो शादी एक मजाक बन गई थी तुम हाफ द टाइम भी मेरे पास नहीं थी जबकि मैं तुम्हारे लिए हंड्रेड परसेंट था You know what? तुमसे शादी करके मैं पछताता हूं बट आई एम ग्लैड तुम एटलीस्ट ऑनेस्टली बात तो कर रहे हो तो मैं भी ऑनेस्टली कह रही हूं भूल जाते हैं इस रिश्ते को पीछे छोड़ देते हैं Let's move on. Hmm? और उसका तरीका यही है कि हम एक दूसरे को डिवोर्स दें। ठीक है वो टर्म्स नहीं ना इंसाफी वर्किंग वुमन हो डैड के बनाए हुए मोटल्स में से तुम्हें शेयर क्यों मिले

सुरेंद्र प्लीज डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ ओके नो नीड फॉर दैट रेखा मेरा स्टैंड क्लियर है तुम्हें डिवोर्स लेना है अभी ले लो लेकिन टर्म्स मेरे सच कहू मन तो किया वहीं उसी वक्त उसे गोली मार दूं सर मैंने बहुत बारी बहुत बारी रेखा जी को समझाया कि रेखा जी मडर वाडर के चक्कर में ना तुझ नाब हो खा बखाकर झमेला हो जाएगा मार्च में उनका फ़ोन आया मेरे पास कहने लगी कि मैंने डिसाइड कर लिया है आर या पार तो हमने वीरू को बुला लिया सर और कर दिया काम बड़े ही फुद्दू बंदे हो अकल नाम की कोई चीज़ है या नहीं क्या सोचा था मर्डर करेंगे पैसे मिलेंगे और ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे अब तुम दोनों जेल में सड़ोगे दुनिया के कवरेज से बाहर और जिंदगी के नेटवर्क से आउट माना कि रिश्तों में खटास थी लेकिन दूरी भी तो थी कौन रोज़ रोज़ रोज खटास चखनी पड़ती थी रेखा ने खुद कि उसे ने मरवाया अभी रेखा से बात करनी बाकी है लेकिन जिन दो बंदों से उसने कांड करवाया था वो हमारी हिरासत में और वो दोनों सब कुछ उगल चुके हैं अब हम न्यूयॉर्क जाके रेखा के पास तो नहीं रह सकते जी बिल्कुल नहीं रह सकते बात बताओ मैडम वो हमारी बंटी के साथ कुछ गलत तो ना कर देगी bloody nonsense! आपसे दो लोगों ने बकवास क्या कर दी आपने तो एक थर्ड रेट क्राइम नॉवल लिख डाली एनआरआई ने अपने को मरवा डाला। This is not even smart officer. थोड़ी तो चालाकी दिखाते चालाकी तो आपने किए रखा मैडम जो अपने बेटे के स्कूल का बहाना कर हमारे हाथ से भाग निकली और मैडम अपने को इतना भी चालाक ना समझो हमने संदीप और रघु के साथ साथ हत्यारे वीरू को भी धर लिया और कौन है रूम सर्विस सर रूम साफ करना है। यही तो प्रॉब्लम है इंडियन सिस्टम के साथ बहाने बनाओ ब्लेम गेम शुरू कर दो आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मेरे हस्बैंड के किलस को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर पकड़ लिया है पर ब्राइब लेकर उन्हें छोड़ रहे हैं और मुझे फंसा रहे मैडम आप अभी भी पुराने वक्त में अटकी हैं आप आज के इंडिया को नहीं जानती आपको लग रहा होगा कि आपके पास अमेरिकी पासपोर्ट है तो आप सेफ हैं हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे जरा डर ये क्योंकि हम बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे आपको न्यूयॉर्क के किसी पब से उठाकर प्लेन में डालकर यहां लेके आएंगे लुधियाना के इस थाने में और वो भी कानूनी तरीके से पकड़िए मत हमारे हैं सुरेंद्र की कार ट्रेस हुई है सर जब्त कर लिया हमने उसे वीरू ने अमाल में एक मैकेनिक से मानो जैसे कार की प्लास्टिक सर्जरी करा डाली और फिर उसे बेच दिया सर वीरू ने अपना जुर्म कबूल किया है स्टेटमेंट उसने कहा है कि संदीप और रघु के साथ मिलकर उसने सुरेंद्र का कत्ल किया था इन तीनों के स्टेटमेंट्स का सॉलिड सबूतों के साथ बैकअप बनाओ वो होटल नो जहां रेखा अरोड़ा इन दोनों को लेकर जाती थी वहां के विटनेस सीसीटीवी कैमरा प्लानिंग की लोकेशन फोन रिकॉर्ड सबका डोजियर बनाओ हम अपनी ओर से पूरी ताकत लगा देंगे और किसी तगड़े वकील से मशवरा करेंगे कि रेखा अरोड़ा को अदालत के सामने कैसे पेश किया जा सकता है मुश्किल है पर नामुमकिन है एक्स्ट्रा फ्रॉम यूएस टू इंडिया ताकि रेखा अरोड़ा यहां पर ट्रायल फेस करे ये तो डेफिनेटली आसान काम नहीं है सालों की मेहनत के बाद भी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होते हैं या बिना प्रोग्रेस के लटके रहते हैं हां सिलसिला लंबा है पर खेल सारा मजबूत एविडेंस का है जितनी ज्यादा फुल प्रूफ क्रेडिबल और लॉजिकल एविडेंस पेश की जाएगी एक्सटेडिशन में उतनी ही कम मुश्किल होने के चांसेस है यूएस नेशनल तो छोड़ो यहां पर जो उसके मोहरे थे उन्हें पकड़ना का काम आसान था एक चक्रव्यू रचा गया था हम ऑलमोस्ट डेड एंड पर आ गए थे पर हमने हिम्मत नहीं हारी आखिरकार उस चक्रव्यू को तोड़ दिया और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया उम्मीद है एक दिन रेखा अरोड़ा भी हमारी नजरों के सामने होगी और उस दिन का इंतजार रहेगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज